पूरे देश में बनारस अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। होली, दिवाली और दशहरा जैसे त्यौहार भी यहाँ हिंदू और मुस्लिम भाई मिलकर मनाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी ही अनोखी मिसाल वाराणसी में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के महापर्व दशहरा पर भी देखने को मिलती है। वाराणसी में एक ऐसा मुस्लिम परिवार है जो 3 पीढ़ियों से दशहरे का रावण तैयार करता चला आ रहा है। बनारस रेल इंजन कारखाने के रामलीला मैदान में जलने वाला पूर्वांचल का सबसे बड़ा रावण का पुतला मुस्लिम परिवार तैयार करता है। कारीगर शमशाद खान ने बताया कि इस काम में उनका परिवार महीनों पहले से तैयारियों में जुट जाता है। यह उनकी 3री पीढ़ी है जो इस काम को कर रही है। इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर 75 फीट का रावण, 70 फीट का कुंभकर्ण और 65 फीट के मेघनाथ का पुतला दशहरा के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ देखिए, ये दशहरे का पुतला बन रहा है जी। और ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण 3 पुतले बनेंगे। कितने पीढ़ियों से आपका परिवार बना रहा है? देखिए, ये 3री पीढ़ी हमारी। इसके पहले हमारे नाना जी बनाते थे शुरू में, उसके बाद हमारे जो और लगार के रिश्तेदार थे, मतलब मामा जी, वो भी बनाए। उसके बाद करीब 2001 से मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग इसमें काम करते हैं? महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं? जो इसमें मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। कितनी महिलाएं होंगी? महिलाएं मान के चलिए 4-5 महिलाएं हैं, बाकी सब बच्चे हैं, हम हैं। मतलब पूरी टीम कितने लोगों की है? 10-12 से। 10-12 लोगों? कितने दिन में तैयार कर लेते हैं ये? करीब 2 महीने का काम है। अच्छा।